सर, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है और हमारी तरफ से और श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको बीजेपी ने टिकट दी है। मेरा नाम विनोद शर्मा है सर। तो क्या कहना चाहेंगे आज आपकी, आपको ये टिकट मिली है तो आप किसका धन्यवाद करना चाहेंगे और कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? विनोद जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का और आपका और मेरी अटेली हलका की देवतुल्य मतदाताओं का मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इनके आवाज पर संगठन ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर मुझे अटेली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और इसमें विशेष रूप से संगठन का तो था ही, लेकिन माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो अपनी भूमिका निभाई वो भी मैं उनका बहुत ही बहुत धन्यवादी हूँ और हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने भी मेरी पैरवी जैसे मैंने कहा था वैसे ही मेरी पैरवी की। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और नामांकन के बारे में आप कुछ बताना चाहें कि कैसे किस दिन आप नामांकन करेंगे और ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे नामांकन के बारे में? कल सुबह 11:15 बजे नारनौल एडी साहब के पास मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा और उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री अरुण जी मुंडा झारखंड से हैं, जो पूर्व में सीएम रहे हैं, और अपने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी और अलवर से सांसद महंत बाड़कनाथ जी, ये सब नेता वहां पे आ रहे हैं। वो पहले लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद में नॉमिनेशन करेंगे। तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अटेली की जनता और अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप क्या कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे ताकि वो आपका इस चुनाव को जिताने में आपके लिए या फिर आपसे जुड़ने में तैयार रहें? मैं अटली विधानसभा के सभी मेरे सम्मानित और बहुत ही आदरणीय मतदाताओं से और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से बहुत ही मजबूती के साथ बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, मैं उनके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा और किसी प्रकार का मतलब कोई भी किसी प्रकार की उनको उनको आत्मा को ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं इनको यही विश्वास दिला सकता हूँ और जैसे ये कहेंगे तो मेरा नाम नाम है, केवल जनता ने चुनाव लड़ना है और अटेली विधानसभा की जनता है, यही चुनाव लड़ेगी। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मेरे एक के बस का ये चुनाव नहीं, ये जनता लड़ेगी। और जनता आपके सामने लोग खड़े हैं, इन्होंने आप दर्शाया हुआ भी है। और 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का जो चंद्रपुरा में जो स्वागत किया, यही जनता थी अटेली विधानसभा की, जिन्होंने 5 घंटे तक मुख्यमंत्री जी का इंतजार किया और इतना भव्य स्वागत किया और उनको आने वाली 5 तारीख के लिए ना 5 साल के लिए सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। तो मैं पब्लिक मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि ये ना मेरा तो नाम है, विधायक जनता रहेगी और मैं किसी प्रकार का कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सर, थैंक यू सर आपका।